मिलेगा हमारे श्री यशपाल जी शर्मा। यशपाल जी शर्मा आए हैं, मैं आपको बता दूं कि गत दो वर्षों से हमारी पंजाबी ब्राह्मण सभा जी शर्मा है, हर रविवार को शाम 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक भगवान श्री परशुराम मंदिर में आदर्श कॉलोनी में, और दो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें लगभग 250 मेंबर्स जुड़े हुए हैं जिनमें चल रहा है। तो मैं पंजाबी ब्राह्मण सभा की ओर से श्री यशपाल जी शर्मा का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अगली बच्ची जिसकी परफॉर्मेंस है पंजाबी ब्राह्मण सभा का वार्षिक उत्सव है, वर्ष भर में होने वाली गतिविधियों का हम इसमें परफॉर्मेंस को देखकर सब बच्चों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में योगा में जॉब्स में हायर एजुकेशन्स में जिन्होंने कोई डिग्रीज ली मेडल्स लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आज समय ऐसा आ गया है कि हमको सामाजिक तौर पर एकत्र होना बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि राष्ट्र में एक ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है और यहाँ का ब्राह्मण विघटित है। ब्राह्मणों को संगठित करने के लिए ये कार्यक्रम होता है जिसमें हम सब पंजाबी ब्राह्मण अपने अपने बच्चों को पूरे परिवार के साथ यहाँ आकर वर्ष में एक बार उत्सव करते हैं और सब बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। पंजाबी ब्राह्मण सभा द्वारा सारे हरियाणा के पंजाबियों को यहाँ पर प्रतिवर्ष हम निमंत्रण देते हैं, क्योंकि छठा परिवार सम्मेलन इस बार आरंभ हो रहा है और परिवार सम्मेलन करने का समारोह का मतलब तो केवल मात्र यही है कि हमारे परिवारों के बच्चे हमारे परिवारों की नई पीढ़ी आपस में परिचित हो, आउटरीच करें, मिले जुले और नए बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो टैलेंट स्टेज के माध्यम से हमारे लोगों के सामने आए। सभी जब देखते हैं बच्चों को जब पुरस्कार मिलते हैं तो बच्चों को हृदय में बहुत ही उल्लास होता है और लगभग 3 महीने पहले ही वे प्रारंभ कर देते हैं पूछना कि पंजाबी सम्मेलन कब होने वाला है, पंजाबी ब्राह्मण का उत्सव कब आने वाला है। तो बच्चों के इस उत्साह को देख करके हम सबके हृदय के अंदर बड़ा आनंद होता है कि जिन कार्यों को बचपन से हमने शुरू किया वो आज फलीभूत हो रहे हैं और नई पीढ़ी के अंदर ये उत्साह बढ़ा है कि हम लोग अपने समाज को एकत्रित करके अपने देश की सेवा करें। जय भगवान परशुराम, जय श्री राम। देखिए जी, मैं प्रधान हूँ पंजाबी ब्राह्मण सभा का और आज से 7 वर्ष पहले हमने कल्पना की थी कि हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, कहीं पे भी सोशल प्रोग्राम होता है तो आपको वही गिने चुने 20-25 चेहरे नज़र आते हैं, बट हमारे जो समाज के लेडीज़ हैं, बच्चे हैं या यंग जनरेशन है वो अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रही थी कि वी हैव नो प्लेस टू शो आवर स्ट्रेंथ आवर एबिलिटी। तो उसके लिए हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हमारे परिवारों के छोटे बच्चे, हमारे परिवार की बहुएं, हमारे परिवार की भाभियाँ, बहनें, माताएं आके अपना टैलेंट दिखाएं, कुछ ऐसा समय निकालें कि जो हमारी जो जिंदगी भर की भाग दौड़ है उससे रिलैक्स होके अपना एंजॉय करें, याद रखें, पता लगे हमारे परिवार में कौन कौन है, हमारा समाज कैसा है, समाज कैसे चलता है, समाज मिलने से ही चलता है और एकता का परिचय मिलता है। और आज चीफ गेस्ट कौन कौन से रहने वाले हैं? आज जो हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो माननीय पानीपत शहर के विधायक श्री प्रमोद विज और नीरुविज जी हैं और साथ ही साथ श्री जोगेंद्र पाल शर्मा और ज्योति शर्मा जी हैं, ये दोनों हमारे आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं। ब्राह्मण समाज पंजाबी ब्राह्मण सभा की तरफ से मैं उन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया। ये हमारा 6ठा प्रोग्राम है, 6 साल हो गए, वैसे 7 साल हो गए, 1 साल कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए, लगभग इसके साथ इस साल 150 परिवार जुड़े हैं, 150 परिवार इंटू आप कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ब्राह्मणों को इकट्ठा करने का ये सबसे अच्छा माध्यम हमें लगा कि इसी बहाने सारे मिल बैठ कर बैठेंगे, आपस में वार्तालाप भी होगी और कई बच्चे जो अविवाहित हैं उनका भी आपस में, वैसे तो स्पेशल को देख नहीं सकता, आमने सामने हो जाता है भाई, इनको नज़र मार लो तो फिर आगे बात बढ़ जाए, और भी अच्छे काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। मेन हमारा उद्देश्य ब्राह्मणों को संगठित करना, इकट्ठा करना,
यही कहूँगा। धन्यवाद। क्या नाम है सर आप? वेद प्रकाश शर्मा, संयोजक पंजाबी ब्राह्मण सभा।